गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तलेगर ब्लॉग। आज हम फ्रेंड आज का टॉपिक है 20 वीज़ा फ्री कंट्रीज इन 2024 फॉर इंडियन सिटीजन्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट पे आते हैं नेपाल। नेपाल एक फ्रेंडली कंट्री है, नियर बाय कंट्री है, नेबर कंट्री है हमारी। वहाँ पर हमें वीज़ा नहीं लगता है, हम डायरेक्टली वहाँ पर जा सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, वर्क परमिट भी नहीं लगता है। तो पहले पे नेपाल, सेकेंड पे भूटान। भूटान वीज़ा ऑनरेबल फॉर इंडियंस, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो। काफ़ी इंडियंस एवरी ईयर जाते हैं भूटान, तो वीज़ा ऑनरेबल फॉर इंडियंस इन भूटान सेकंड पे। थर्ड पे आते हैं अर्मेनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान। ई वीज़ा रिक्वायर्ड है, पहले भी ई वीज़ा था लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट था, अब भी एट प्रेजेंट अभी इजी हो गया है। ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, मिल जाता है और काफ़ी अच्छी कंट्री है घूमने के लिए फॉर योर टूरिस्ट पर्पज़, लेकिन ई वीज़ा रिक्वायर्ड है अर्मेनिया, अजरबैजान एंड जॉर्जिया के लिए। ठीक है, फोर्थ पे मैंने रखा है इजिप्ट, इट्स वीज़ा ऑनरेबल, कोई दिक्कत नहीं है, वीज़ा वहाँ पर जाके मिल जाता है एयरपोर्ट पर जाके, काफ़ी अच्छी कंट्री है, तो इसलिए मैंने इसे फोर्थ पे रखा है इजिप्ट वीज़ा ऑनरेबल फॉर इंडियन सिटीजन्स। फिफ्थ पे आ गया श्रीलंका, पहले ई वीज़ा रिक्वायर्ड था श्रीलंका जाने के लिए, इंडिया के पास में है, अभी इट्स वीज़ा ऑनरेबल फॉर इंडियंस, काफ़ी बेहतरीन कंट्री है, अच्छी कंट्री है, आप जा सकते हैं फॉर हॉलीडेज़ के लिए। ठीक है, सिक्स पे है थाईलैंड, एवरी ईयर इंडियंस जाते हैं थाईलैंड, आप वीज़ा ऑनरेबल भी ले सकते हैं, स्टिकर वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, इट्स डिपेंड्स अपॉन टोटली अप टू यू कि आपको वीज़ा ऑनरेबल चाहिए क्या, आप स्टिकर वीज़ा अप्लाई करके जा सकते हो थाईलैंड। ठीक है, फिर उसके बाद आ गए सेवन्थ पे मॉरिशियस। मॉरिशियस भी एवरी ईयर इंडियन जाते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल बीचेस है, फूड अच्छा है, घूमने के लिए अच्छा है, एवरी ईयर सब इंडियंस जाते हैं मॉरिशियस घूमने के लिए। उसके बाद है एट पे फिजी। फिजी बहुत ही बेहतरीन कंट्री है, पर्सनली मैंने भी विजिट किया है फिजी, ब्यूटीफुल बीचेस, फूड अच्छा है, खाने पीने के लिए अच्छा है, घूमने के लिए अच्छा है, लोग अच्छे हैं, फ्रेंडली लोग हैं वहाँ पर फिजी में, और लेकिन थोड़ा एक ही दिक्कत है कि थोड़ी एक्सपेंसिव कंट्री है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ कंट्रीज। ठीक है, तो आपका बजट आप अपना थोड़ा हाई रखें। ठीक है फ्रेंड्स, और बेहतरीन कंट्री है, क्राइम रेशियो नहीं है इतना कुछ, सेफ है कंट्री फिजी। उसके बाद नाइन्थ पे मैंने रखा है कंबोडिया, इट्स वीज़ा ऑन अराइवल, आप स्टिकर वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं, सेफ कंट्री है, अच्छी कंट्री है कंबोडिया, इट्स वीज़ा ऑन अराइवल फॉर इंडियंस। फिर आ गए टेंथ पे रशिया। रशिया जाने के लिए ई वीज़ा रिक्वायर्ड है, फॉर 10 to 15 to 16 डेज आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी कंट्री है रशिया। इलेवेंथ पे आ गया है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया जा सकते हैं, बाली है, काफ़ी अच्छी कंट्री है बाली। ठीक है, नॉट अ कंट्री, इट्स अ सिटी, कंट्री है इंडोनेशिया, बाली एक अच्छी सिटी है, काफ़ी इंडियंस है वहाँ पे। ठीक है, फूड अच्छा है, आपके बजट में आ जाएगी, घूमने के लिए जा सकते हो, एवरी ईयर सब इंडियंस जाते हैं फॉर बिजनेस, टूरिज्म के लिए, बिजनेस के लिए बाली जाना प्रेफर करते हैं इंडियंस। ठीक है, फिर इसके बाद है म्यांमार, बर्मा, आपने नाम सुना ही होगा, काफ़ी अच्छी कंट्री है, सेफ कंट्री है, नियर बाय कंट्री है, एयर टिकट की कॉस्टिंग भी इतनी नहीं होती है ज़्यादा म्यांमार जाने के लिए, तो आप जा सकते हो, अच्छी कंट्री है म्यांमार। सेशेल्स बहुत ही बढ़िया बीचेस है वहाँ पर, सेशेल्स में जाने के लिए टिकट कॉस्टिंग रिजनेबल है, जा सकते हैं, एक ही दिक्कत है क्या, थोड़ा होटल की कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा है वहाँ पर, तो आप अपना बजट वो हिसाब से तय करके बना के जाइए। ठीक है, सेशेल्स इट्स वीज़ा ऑनरेबल फॉर इंडियंस। बोलीविया साउथ अमेरिकन कंट्री है, अच्छी कंट्री है घूमने के लिए, अच्छा है, थोड़ा टिकट में थोड़ा आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़े, रेस्ट ऑफ इट्स ओके, आप जा सकते हो, इतना कुछ एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छी कंट्री है बोलीविया। बारबोडास कैरेबियन आइलैंड है, छोटी कंट्री है, आइलैंड कंट्री है बारबोडास, कोई दिक्कत नहीं है, ब्यूटीफुल बीचेस है वहाँ पे, जा सकते हो कैरेबियन में, लेकिन एक ही दिक्कत है कि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, वाया एम्स्टर्डम होके जाती है बीजीआई केएलएम एयरलाइंस, लेकिन एक ही दिक्कत है कि इंडिया से एयरपोर्ट से जाने नहीं देते, फॉर सिक्योरिटी रीजन बोल के डिनाई कर देते हैं बोटिंग हमारी। ठीक है, जो रेगुलर जो टूरिस्ट है, जो जेन्यून टूरिस्ट है, उनको भी बहुत दिक्कत होती है, बिकॉज ऑफ कुछ इंडियंस ये रूट को इस्तेमाल करते हैं यूएस में इलीगली एंटर करने के लिए, तो कैरिबियन आइलैंड को भी यूज़ करते हैं इलीगली एंटर करने के लिए यूएस में, तो इसके वजह से, इसी रीज़न से काफ़ी इंडियंस जो जेन्यून टूरिस्ट है उनको जाने के लिए नहीं मिलता है और एयरपोर्ट से ही भेज देते हैं रिटर्न। ठीक है, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है कैरेबियन आइलैंड जाने के लिए, लेकिन इट्स वीज़ा ऑनरेबल फॉर इंडियंस इन बारबोडास। ठीक है, उसके बाद है ओमान। ओमान 10 डेज़ का इमिग्रेशन परमिशन लेना पड़ता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाते, ईजी है, ओमान जा सकते हो आप। ठीक है फ्रेंड्स, इट्स ईजी इसलिए मिल जाता है आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी ओमान जाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आ गया मलेशिया। मलेशिया हो गया, कैरिबियन आइलैंड हो गया, एल सल्वाडोर हो गया, आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। कैरिबियन आइलैंड का मैं बता दूं,
क्या कैरेबियन आइलैंड में आप सभी को पता होगा क्या एके एयरलाइंस जाती है, जिसमें हमें वीज़ा ऑन अरेवल मिल जाता है और ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई नहीं करना पड़ता है, वो है केएलएम एयरलाइंस वाया एम्स्टरडेम हो के। ठीक है, इस रूट में ये हम इंडियंस को क्या अच्छा है कि हमें ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई नहीं करता है, अप्लाई करना नहीं पड़ता है। रेस्ट ऑफ जो रूट्स है उसमें हमें यूएस से या यूके से जाना पड़ता है, तो उसमें ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन ये रूट से हमें एम्स्टरडेम होके जाती है फ़्लाइट, और इसमें हमें अप्लाई नहीं करना पड़ता है ट्रांजिट वीज़ा एम्स्टरडेम का। आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यहाँ पे इंडियन एयरपोर्ट से ही जाने देते हैं इमिग्रेशन या एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ या केएलएम एयरलाइंस वाले जाने देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इट्स टोटली आपको वीज़ा नहीं लगेगा, ट्रांजिट वीज़ा भी नहीं लगेगा। ठीक है, इस रूट पे तो यही दिक्कत है, रेस्ट ऑफ इट्स वीज़ा ऑन अरेवल फॉर इंडियंस। एल सेलेडर का दिक्कत ये है कि एल सेलेडर के लिए भी वीज़ा ऑन अरेवल है इंडियंस के लिए। टिकट का लगभग 1,80,000 के आसपास हो जाती है टिकट, रिटर्न टिकट, लेकिन उस पर टैक्स जो लगता है वो सिमिलर लाइक टिकट के जितने लग जाते हैं, 1,10,000, 1,20,000, बिकॉज ऑफ यूएस का प्रेशर है इन सब आइलैंड पे, स्मॉल कंट्रीज़ के ऊपर। तो एल सेल्वाडोर तो आपको पता ही होगा, ये फेमस है यूएस में एंटर करने के लिए ये रूट। ठीक है, तो उन्होंने वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं किया है, आप आइए जा सकते हैं, उनका कहना है कि आप आइए यहाँ पे, लेकिन आपको डबल टिकट रेट्स पे करना होगा, डबल पैसे पे करके आपको एल सेल्वाडोर आना होगा घूमने के लिए। टिकट का 1,80,000 रुपया और 1,00,000 आप पकड़ लीजिए टैक्स का। ठीक है, तो डेवलपमेंट टैक्स करके लोग ले लेते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, टिकट एक्सपेंसिव हो जाती है। ठीक है, और फिर भी गारंटी नहीं है कि हमें, अगर आपको एयरपोर्ट से रिटर्न कर दिया एल सेल्वाडोर से, तो दिक्कत हो जाती है, तो ये आप ध्यान रखें। ठीक है, तो आपको मैंने बता दी ये सब कंट्री आप जा सकते हो वीज़ा ऑन अरेवल फॉर इंडियंस इन 2024, और आप अपने पास रखें आपका पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट, 6 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए, 3 से 4 ब्लैंक पेज होने चाहिए, वीज़ा लगता नहीं है। ठीक है, वीज़ा ऑन अरेवल है, एयर टिकट्स रखें, होटल रिजर्वेशन रखें, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड रखें, ट्रैवल इंश्योरेंस रखें, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो तो पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट आप लेके जाइए, कोविड की सर्टिफिकेट है बैकअप के लिए रखें। ठीक है, फंड्स आप एक्सचेंज करा लीजिए इंडियन रुपीस को यूएसडी में, रेस्ट ऑफ कोई भी कंट्री में जा रहे हो तो फिर एयरपोर्ट पर उतर के आप चेंज करवा लीजिए। ठीक है, तो ये सभी है, और कुछ भी क्वेरीज होगी तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अब के लिए इतना, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन देगा ब्लॉग है, गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।